नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कारपोंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से मित्र पूछते भी रहते हैं मुझसे किस तरह का जो है बॉडी कवर हम अपनी कार में यूज करें। तो सभी को जो है मैं जिस कंडीशन में उनकी गाड़ी पार्क होती है उसी हिसाब से जो है बॉडी कवर सजेस्ट करता हूं। तो आज का जो वीडियो है डीप में हम जो है इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस तरह के मटेरियल का बना हुआ बॉडी कवर आपको यूज करना अपनी कार में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस कंडीशन में पार्क करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल कॉटन का जो है बॉडी कवर यूज करना है। मतलब मार्केट में आप देखेंगे तो इस तरह का जो बॉडी कवर होता है ये काफ़ी चलन में है। ये वाटरप्रूफ जो है मटेरियल होता है, कपड़े का जो फैब्रिक है, कपड़ा नहीं है एक्चुअली, ये वाटरप्रूफ है। ये जो सीट है एक तरह की, तो इससे जो है इस कवर को बनाया जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मिलता है मार्केट में और ये जो है आपको काफ़ी सस्ता ही मिल जाता है। हालाँकि मैंने तो जब कार परचेस की थी उसी टाइम पर 1000 रुपीज़ का जो है डीलर से लिया था। MGP की जो है एसेसरीज के रूप में आता है, ये 1000 का पड़ा था। तो इस तरह का जो बॉडी कवर है इसको आपको जब आप अपनी गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करते हैं तो बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो है इसका जो कलर है बिल्कुल फेड हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये जो है सड़ने लग जाता है धूप की वजह से, ठीक है। और इससे एक नुकसान हो रहा है आपकी गाड़ी का जो कलर है, क्योंकि धूप में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है गाड़ी के कलर को, स्पेशली जो मेटलिक कलर होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नॉर्मल कलर तो जो है फिर भी ठीक रहते हैं, जैसे कि वाइट कलर हो गया या फिर जो है विदाउट मेटलिक कलर कोई भी हो गया उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता। डार्क कलर या फिर मेटलिक कलर जो होते हैं उनमें इशू आता है। तो हमेशा जो है कॉटन का कवर आपको यूज करना है। अगर मार्केट में कॉटन कवर नहीं मिलता तो आप जो है कॉटन का कवर बनवा लीजिए, सिल भी जाता है, आप ऑर्डर देकर जो है सिलवा सकते हैं। तो हमेशा जो है जब भी आपको अपनी गाड़ी धूप में पार्क करनी है तब आप जो है कॉटन का कवर ही यूज कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर जो है हमारी पहली प्राथमिकता होती है गाड़ी का जो कलर है उसे धूप से बचाया जाए। तो अगर आप अपनी गाड़ी को धूप में पार्क करते हैं तो कॉटन के कवर का ही हमेशा यूज कीजिए, उससे जो इंटीरियर होता है, जो इंटीरियर का प्लास्टिक वगैरह होता है डैशबोर्ड, वो भी ख़राब नहीं होता। दूसरा मैं आपको बता दूं कि गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट जिस दिशा से आ रही है उसके अपोजिट साइड जो है गाड़ी का फ्रंट करके रखें, उससे क्या होगा जो डैशबोर्ड वगैरह होता है उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। और कवर लगा देंगे तो जो है थोड़ा सा जो है धूप का असर कम हो जाता है। कॉटन कवर लगाना है आपको, ठीक है। तो उल्टा जो है दिशा में आपको गाड़ी को पार्क कर देना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को छांव में पार्क करते हैं, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को छांव में पार्क करता हूं, घर के अंदर पार्क करता हूं पोर्च में, तो अभी आपको किस तरह के मटेरियल का कवर यूज करना है। तो देखिए, जब हम अपनी गाड़ी को किसी शेड में पार्क करते हैं या फिर जो है गैराज में पार्क करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है गाड़ी पर डस्ट ना चढ़े। तो उस टाइम पे जो है आप इस तरह के मटेरियल का बना हुआ जो मार्केट में कवर मिलता है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटरप्रूफ कवर होते हैं तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो कॉटन का कवर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉटन का जो कवर होता है उसमें डस्ट अंदर आ जाती है, इसलिए आप जो है इस तरह के मटेरियल का हल्का जो फैब्रिक होता है उसका जो है आप यूज कीजिए। कोई जो है जो फैब्रिक आते हैं उनका यूज नहीं करना है, रफ़ फैब्रिक जो होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बारिश के मौसम में मान लीजिए गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो किस तरह के कवर का यूज करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी जो कवर होता है ना वो वाटरप्रूफ नहीं होता। मार्केट में आपको मिल जाएंगे ये वाटरप्रूफ कवर है, आप कितना भी वाटरप्रूफ कवर ले लीजिए अंदर जो है गाड़ी के नमी आ ही जाएगी, बॉडी पे जो है नमी आ ही जाती है, थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है। जैसे कि ये भी एक वाटरप्रूफ कवर है, लेकिन जब मैं इसको लगा के गाड़ी को बाहर खड़ी कर देता हूँ बारिश में तब भी जो है पानी आ ही जाता है। तो किसी भी तरह का वाटरप्रूफ कवर काम नहीं करता है। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अंदर ही अंदर जो है गाड़ी में नमी आने से थोड़ा बहुत जो है रस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कलर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं जो है सभी को सजेस्ट करता हूँ कि बारिश के मौसम में जो है गाड़ी को कवर से ना ढकें, और अगर ढकते भी हैं तो बारिश बंद होने के बाद तुरंत जो है कवर हटा दीजिए। उसके बाद जितना ही पानी वगैरह होता है बॉडी पर लगा हुआ गाड़ी के उसको आपको जो है ड्राई क्लोथ से जो है क्लीन कर लेना चाहिए। तो अभी आपको जो है मैंने तीनों वेदर के हिसाब से बता दिया, स्पेशली जो है गर्मी के मौसम में जब हम गाड़ी को धूप में पार्क करते हैं तो अब आपको जो है कॉटन के कवर का यूज करना है। बारिश में आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, वाटरप्रूफ कवर आप ले लीजिए। और गाड़ी जब गंदी हो तो अब तो आपको बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह का कवर का यूज नहीं करना, क्योंकि उसको लगाने से कवर गंदा भी हो जाता है और बार बार लगाने निकालने से जो है गाड़ी में माइनर स्क्रेचेस भी आ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।